हाय फ्रेंड्स, मैं सीमा विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए ताकि आगे जो वीडियोज़ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलो अच्छा, और नीचे मैंने और एक लिंक दिया है ना, तो लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विथ एंजल ब्रोकिंग। तो चलो आइए जानते हैं कि स्टॉप लॉस की ज़रूरत क्या है। अगर आप शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस यूज़र है उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, कैसे मैं आज बताने वाला हूँ, है ना। तो जो लोग फ्रेशर्स है उनको जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो उनके लिए भी ज़रूरी है, एंड जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत फ़ायदे का होने वाला है। चलो आइए बढ़ते आगे फिर। अच्छा, अगर आप एंजल में अकाउंट खोलते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है, सो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, करेक्ट ना। पर्सनलाइज एडवाइजरी, फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, स्मार्ट एपीआई है, करेक्ट ना, 1 ईयर एएमसी फ्री है, सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट नीचे क्लिक करके अकाउंट फ्री में ओपन कीजिए। नाउ स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, देखो इससे आपका जो होने वाला लॉस है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अवॉइड नहीं, मिनिमाइज कर सकते हैं। You can minimize your loss by using this concept called as a stop loss. Correct ना। तो मतलब क्या, एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से आपने एक शेयर लिया 50 रुपये में, एग्जाम्पल, एंड उसका रेट कम होते होते 38 आ गया, एंड आपको डे टू डे स्टॉक मार्केट देखने की आदत नहीं है, एंड आपको तो आपको जब 38 हो जाएगा आप पैनिक हो जाओगे, अरे मेरा 12 रुपये नुकसान हो गया शेयर्स में, करेक्ट ना। तो स्टॉप लॉस से क्या होता है, आप एक लिमिट सेट कर करको खरीदते समय ही कि ये शेयर अगर 46 हो गया तो बेच दो, तो जब भी वो मार्केट गिरेगा एंड जब भी वो 46 होगा वो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, मतलब आपको मार्केट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मार्केट में आपका डेली ध्यान है तो आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस कितना है, कितना कम हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सेल। बट अगर आपको इतना समय नहीं है, है ना, यू आर ओनली इन्वेस्टर, आपको डे टू डे आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते हो, तो फिर ये पोटेंशियल लॉस बहुत, मतलब ये लॉस कम करने के लिए ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। सो इट्स अ ऑटोमेटेड सिस्टम। Once you set that limit, once price reaches that lower level, वो automatic क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। देखो अभी example दिया मैंने, आपने 100 शेयर्स लिए, एक शेयर 100 रुपीज का है, तो टोटल आपके शेयर 10,000 रुपये के हैं, करेक्ट ना। अगर एक शेयर का प्राइस 92 रुपीज हो गया तो 8 रुपये से कम हो गया। अभी आप बोलेंगे सर 8 रुपये से फर्क क्या पड़ता है, सर 8 रुपये लॉस तो अपन झेल लेंगे सर, स्टॉक लॉस की जरूरत क्या है भाई, पर शेयर 8 रुपये बराबर है। बट अगर आपने 30 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो इन टोटल इट बिकम्स इन 1000। अब इमेजिन करो ये 10,000 के शेयर्स है, इमेजिन करो आपने 30 लाख के शेयर्स लिए तो। हाँ, तो अगर आपका अमाउंट बहुत छोटा है तो फिर ये लॉस मायने नहीं रखता है, बट इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट बिग अमाउंट देन ये 8 रुपये पर शेयर है। अगर आपके पास 20,000 शेयर्स है तो ये एक दिन का लॉस 1,60,000 हो जाता है। सो पर शेयर इट मे नॉट बी बिग अमाउंट, बट इन टोटल इट्स अ बिग अमाउंट। तो इसमें आपका दो सिचुएशन है, करेंट ना, अभी 92 रुपीज़ हो गया, अब इसमें आप क्या करोगे। देखो दो सिचुएशन, जो जिन लोगों का स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं है वो 92 पैन का पैनिक हो जाएंगे, फटाफट बोल देंगे ब्रोकर को, जैसे आप अपने ऐप पे बेच दोगे डायरेक्टली, वाह 800 रुपये का लॉस बुक किया, थोड़ा बुरा लगेगा बट क्या करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप 97 पे स्टॉप लॉस सेट कर दोगे, एंड वो 97 होगा तो ऑटोमेटिक आपका सेल होगा। मतलब इनडायरेक्टली मैंने आपका लॉस 800 से 300 किया है, तो इनडायरेक्टली अपना नुकसान 500 से कम हुआ है, एंड जब नुकसान कम होता है तो उसको भी एक तरह से फायदा बोल सकते हैं, करेक्ट ना। सो बाय सेटिंग दिस लिमिट ऑफ स्टॉप लॉस यू कैन मिनिमाइज योर लॉस, करेक्ट ना। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो 97 में 300 रुपये लॉस होता, तो सिचुएशन टू में इफ यू सेट दिस लिमिट लॉस इज 300, सिचुएशन वन इफ यू डोंट सेट एनी लिमिट लॉस इज 800 रुपीज। अभी आप सोचो आपके लिए क्या बेटर है, करेक्ट ना। So by doing this you can control your losses on daily basis. So it's a very good for new investors. अभी जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए क्या बताता हूँ। अभी सपोज इमेजिन करो, जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो, आपने कंपनी का अच्छा रिसर्च किया है, अपना जो ऐप है नीचे लिंक दिया उसमें भी हर एक कंपनी का बहुत डिटेल में रिसर्च करके दिया है, उसके प्राइस ट्रेंड दिए हैं, करेंट, मतलब आपने प्रॉपर रिसर्च किया है, आप डेली कंपनी के स्टॉक को फॉलो करते हो, कंपनी के परफॉर्मेंस को, अपना रिसर्च, आपका नॉलेज, तो आप एकदम एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, सो यू हैव
नॉलेज ऑफ गुड्स, नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इन दैट केस ये आपके लिए इतने फायदे के नहीं होगा। कैसे? अगर आपको लगता है कि 100 का 92 हुआ है एंड आगे जाके ये रिकवर होगा, आगे जाके ये रिकवर होगा, तो फिर अगर आपने स्टॉप लॉस सेट किया ना, तो ऑटोमेटिक आपका पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। तो उनके लिए वो फायदे का नहीं है फिर, क्योंकि आपको पता है कि बाद में ये 100 का 120 रुपये होने वाला है, तो ये 8 रुपये का लॉस बाद में कन्वर्ट होने वाला है प्रॉफिट में। तो फिर उनके लिए ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, आपको पूरा ज्ञान गणित है, आप रिसर्च करते हो, ऐप पे भी रिसर्च दिया है, वो यूज़ करके आप इन्वेस्ट करते हो, देन ये आपके लिए इतना काम का नहीं है। अगर आपको लगता है कि आगे जाके स्टॉक ग्रो होने वाला है एंड अगर आपको उतना कैपेसिटी है, क्योंकि आदमी क्या होता है, लॉस हो गया ना, आदमी पैनिक होता है कि यार मेरा लॉस हो रहा है, तो ज़्यादा दिन तक उसको झेल नहीं पाता। इट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस एंड करेज। शेयर मार्केट इज अ रिस्क गेम, तो यू नीड लॉट ऑफ करेज। तो फिर आपके लिए गुड स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये फायदे का भी और नुकसान का भी है, करेक्ट ना? तो ये मैंने उसके एडवांटेज दिए। एडवांटेज क्या है? जो नए इन्वेस्टर है, दे कैन मिनिमाइज द लॉस। लिमिटेशन क्या है कि अगर आगे जाके बढ़ने वाला है, सी मार्केट में चढ़ होता हो तो होते रहते हैं, स्टॉप लॉस से क्या होगा, आपने 100 का 97 में बेच दिया एंड नेक्स्ट डे 105 हो गया, है ना, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? आप बोलेंगे यार गलती से अननेसेसरी शेयर बेच दिया। तो स्टॉप लॉस से ये भी होता है। तो आपको सब कैलकुलेट करके पहले डिसीजन लेना है कि स्टॉप लॉस सेट करना है कि नहीं। हाँ, बट आपका अगर लॉस टेकिंग कैपेसिटी है नहीं, फिर आपके लिए ज़रूरी है। बट अगर आप उस टाइप के माइंडसेट लेके चल रहे हो कि ठीक है कम हुआ है बाद में बढ़ेगा, यू आर रेडी टू होल्ड इट, देन आपके लिए स्टॉप लॉस नेसेसरी नहीं है। तो मैंने दोनों एंगल से बताया, आप देखो आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो। अच्छा, अब ये स्टॉप लॉस आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। अब ये बोलेंगे सर लॉस कैसे होगा प्रॉफिटेबल, बताता हूँ। अच्छा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो नोशनल था कि आपका 800 का लॉस मैंने 300 किया है, उसमें अपना फायदा नहीं हुआ है, बट यहाँ पे फायदा होगा। मतलब क्या, देखो एक एग्जाम्पल दिया जो आपको आराम से पढ़ना है। आपने 100 रुपये में एक शेयर लिया था जो 120 रुपये हो गया, वाह 120 रुपये हो गया। अभी दो पॉसिबिलिटीज है, आप बोलेंगे आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बढ़ सकता है तो आप होल्ड करके रखोगे, बट अभी अपन ने ऑलरेडी फायदा कमाया कि नहीं, तो उसमें आप स्टॉप लॉस सेट करके रखो 115 रुपये का। इससे क्या होगा, जब भी वो शेयर गिरेगा तो भी आपका 115 पे सेल हो जाएगा, तो एटलीस्ट 15 रुपये आपका प्रॉफिट बुक रहेगा। एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो 15 रुपये क्या रहेगा, बुक रहेगा। तो हाउ दिस इज हाउ इट इज प्रॉफिटेबल। बट जिन लोगों ने देखा नहीं, 100 का 120 हो गया, आगे 104 हो गया, तो उनका प्रॉफिट 4 रुपये पे आ जाता है एंड बाद में वो नीचे नीचे आ जाता है। सो लाइक दिस यू कैन यूज स्टॉप लॉस इन अर्न टू अर्न प्रॉफिट ऑल्सो, करेक्ट ना? मतलब आपको लगता है कि अरे बहुत मस्त प्रॉफिट हुआ है, 100 का 140 हुआ है, तो इफ यू आर हैप्पी विद दैट, सेट स्टॉप लॉस एट 130। मतलब सिर्फ बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वो कम भी हो गया तो आपका 30 रुपीज प्रॉफिट तो कन्फर्म है। सो प्रॉफिट में ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है पता है क्या, अपना 10 शेयर में नुकसान होता है एंड एक शेयर में अपन फायदा कमाते हैं, बट वो इक्वल होता है बिकॉज हम प्रॉफिट में स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो दिस इज माई सजेशन फॉर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कि आपने कभी यूज़ किया क्या, चेक कीजिए। नहीं यूज़ किया तो एक बार यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है इन लॉस सिचुएशन एंड प्रॉफिट सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करके फटाफट अकाउंट ओपन कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ भी देखते रहिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।